ओके, ये है पॉइंट स्नेक, और इसका जो पॉइंट है वो है डी एच लॉरेंस। ठीक है, इसने जो है ये पोएम बेसिकली एजुकेशन पे और इंसान के मटेरियलिज्म पे लिखी है। इसने क्रिटिसाइज किया है इंसान के बीइंग एजुकेटेड और उसकी जो सुपरस्टिशियस सोच है और बातें हैं उसके, जो खुद से लोग सोच लेते हैं, बना लेते हैं, जो सुनी सुनी बातों पे यकीन कर लेते हैं, उस पे बेसिकली इसने ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा से हम स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ जो है ना इसकी मीनिंग्स भी आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉक, एक स्नेक मेरे जो है वाटर ट्रॉक के यानी जो उसका कंटेनर है उसके करीब आया, और ऑन अ हॉट हॉट डे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला दिन था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्म दिन था। एंड आई इन पजामाज फॉर द हीट, और मैंने हीट की वजह से यानी गर्मी की वजह से पजामाज पहन रखे थे। ठीक है, टू ड्रिंक देयर, यानी कि वहाँ पे पानी पीने के लिए, वो भी वहाँ पानी पीने के लिए गया था, और जो स्नेक है वो भी वहाँ पानी पीने के लिए गया था। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रीन ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। कैरब ट्री एक जो स्नोबर का दरख्त जिसको उर्दू में कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड, यानी कि बहुत ही डीप और अजीब किस्म की सेंट आ रही थी, स्मेल आ रही थी किसी चीज़ की। ठीक है, किसके नीचे? शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, उस जो ट्री है स्नोबर का जो दरख्त, उसके जो है नीचे से मतलब वहाँ पे खड़े होके उसको अजीब सी स्मेल आ रही थी। आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई टीचर। अब प्लीज़ मुझे साथ साथ ना रिस्पॉन्स करते जाएं, अपने माइक्स अनम्यूट ही रखें। ठीक है, मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, वरना मैं आगे भी कंटिन्यू नहीं करूँगी। ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आएगी। ओके मैम। तो आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई टीचर। टीचर का मैंने क्या मीनिंग आपको बताया था इसका यहाँ पे, कि घड़ा घड़ा हाँ जी, अपना जो उसका वो बर्तन है जिसमें वो पानी भरना चाहता था, वो लेके नीचे आया। वो घड़े टाइप की कोई सुराही टाइप की कोई चीज़ थी, तो वो लेके वो कहता है कि मैं स्टेप्स से यानी सीढ़ियों से नीचे आया, एंड मस्ट वेट, मुझे इंतजार करना पड़ा, मस्ट स्टैंड खड़े होके एंड वेट, और मुझे इंतजार करना पड़ा। तो वो कहते हैं कि मैं अपना जो है पानी पीने वहाँ पे आया था, गर्मी का दिन था, मैंने पजामा पहन रखे थे, और एक स्नेक वहाँ पे, एक वाटर ट्रॉप जहाँ से मैं कंटेनर से पानी लेने आया था वहाँ पे एक स्नेक को मैंने देखा, तो मैंने मुझे एक जो वहाँ पे कैरेट ट्री है मुझे इसके नीचे खड़े होके वेट करना पड़ा। ठीक है, तो इसका स्टैंजा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको साथ साथ फिर से बता देती हूँ। द पोएट सेज दैट अ स्नेक केम टू क्विंच हिज थर्स्ट ऑन अ हॉट समर डे ड्यू टू द हीट। द पोएट वॉज वेयरिंग अ पजामाज डीप वेयरिंग अ पजामाज, इतना होगा। ठीक है, अगर आप ये कॉन्टेक्स्ट में से ऐड करना चाहें ना कॉन्टेक्स्ट में, तो इतनी लाइन ऐड करेंगे, ये दो तीन तीन लाइन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको साथ साथ जो है ना फर्दर बताती हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट कितना होगा। ओके, द पॉइंट, अब यहाँ से नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, इस लाइन से, अगर आपके पास बुक्स में यही है सारा डाटा, यस मैम। ठीक है, तो आप ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ से ऐड करेंगे। द पोइट वॉन्टेड टू फिल हिज पिचर विद वाटर, यानी कि वो अपना जो घड़ा या जो भी उसके पास वो उसके कंटेनर के पास लेके आया था बर्तन उसको भरने के लिए पानी से, वो उसको भरना चाहता था। ही वॉज इन द मिड वे ऑफ द स्टेयर्स विद द पिचर ऑफ वाटर, जब वो अभी रास्ते में था मतलब कंटेनर के पास पहुंचने वाला था। वेन ही सॉ द स्नेक, जब उसने स्नेक देखा वहाँ पे, एंड ड्रिंकिंग वाटर एट हिज वाटर कंटेनर, और उसने स्नेक को वहाँ से उस कंटेनर से पानी पीते हुए देखा, तो वो कहते हैं कि मुझे वहाँ पे जब मैंने स्नेक को पानी पीते हुए देखा तो आई मस्ट हैव टू वेट देयर। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट लाइन्स है ना, जहाँ पे उसने कहा कि मुझे इंतजार करना पड़ा और मैं वाटर ट्रॉप के पास खड़ा, तो उन सारी लाइन्स को उसने मर्ज करके ना इस कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप पिछला चाहे दोनों जो मैंने रीड आउट किए उनको आप मर्ज कर लें, या फिर ये वाला आप करेंगे। ठीक है, द पोइट वॉज फ्राइटेंड टू सी द स्नेक एट द एज ऑफ द वाटर कंटेनर, वो स्नेक्स को देख के डर गया था वहां पे, लेकिन उसने वेट किया, फिर भी उस तरफ के पास खड़े होकर वेट किया। ही डिड नॉट डेयर टू गो टू द कंटेनर, उसकी हिम्मत ना हुई कि मैं कंटेनर के पास जाके खड़ा हूँ या वहाँ पे उसके पास जा सकूँ स्नेक की वजह से। ही स्टूड इन द स्टेप्स विद द वाटर कंटेनर, ही वॉन्टेड टू बी अवेयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्नेक।
वो कहते हैं कि मैं वहां पे खड़ी होकर इंतजार करने लग गया और मैं स्नेक का जो रिएक्शन है मैं वो देखना चाहता था, ठीक है। द स्नेक वॉज सिपिंग वाटर एट द एज ऑफ द कंटेनर, जो स्नेक है वो जो कंटेनर है उसके एज से यानी उसके किनारे से वो पानी पी रहा था, ठीक है। इसका ये एक इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी, 1 to 5 लाइंस जो अभी हमने फर्स्ट स्टैंजा की है, ठीक है। ये वाला इसका सारा आप एक्सप्लेनेशन में ऐड करोगे, ठीक है। आपको एट द एंड ऑफ पोइम जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उस पर वो जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इस पर इसने बहुत ही एक्सप्लेन हर एक लाइन को जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, तो आप ये वाला पढ़ लोगे, ठीक है, ये ऐड कर लोगे। तो मैं नेक्स्ट मूव करूँ नेक्स्ट स्टैंजा पे। यस मैम, ठीक है। ये है 6 to 13 स्टैंजास, ठीक है। He reached down from a fissure, fissure यानी के दरार, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे ना उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जिस जगह से वो जो स्नेक है वो निकल के आया था, कैसे आया था। अब यहाँ पे वो उसकी एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन कि He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, यानी कि एक बहुत ही ग्लूम होता है ना, बहुत ग्लूमी टाइप की जो एक होता है, आप क्या कह सकते हैं इसको। मरवा आप मरवा लेफ्ट कह गई थी पहले, हेलो मरवा आर यू देयर मैम? नहीं है वो इधर। मरवा ने अभी दोबारा ज्वाइन किया ना, आई थिंक वो मे बी लेफ्ट कर गई थी। नहीं मैम वो लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने अभी डाटा ऑन किया पहले वाले से ही था। ठीक है, तो पिछला स्टैंजा दोबारा मैं रिपीट कर दूं या फिर ठीक है यहीं से कंटिन्यू करूं? यहां से ही करें आप। ठीक है, He reached down from a fissure, यानी कि वो ज़मीन के जो कहते हैं ना एक जो सांप या कोई भी इस तरह के जानवर होते हैं वो किसी सुराख से ही निकल के आते हैं। तो ये जो सांप है अब इसका बता रहा कि आया कहाँ से, एक दीवार में से आया था, इन द अर्थ वॉल यानी कि ज़मीन के जो है ना एक ऐसी दीवार जिसका आधा हिस्सा ज़मीन में है और मतलब ऊपर तक जो है ना वो ऑब्वियसली एक दीवार जो होती है वो ज़मीन के उसकी बुनियादी ज़मीन में ही होती है ना, तो उस जो है ना ज़मीन में से उस दीवार में से जो क्रैक था वहाँ से निकल गया है। तो फिजर जो है ना, फिजर का मतलब यहाँ पे दरार है, ठीक है, यानी कि क्रैक, जो क्रैक था उसमें से ये निकल के आया था। इन द ग्लूम, एक बहुत ही वो कह लें कि एक वैसे तो ग्लूम कहते हैं उदासी को या सोरोनेस को या सैडनेस को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा कि मतलब एक ऐसी जो है ना वो ग्लूम लाइक एक ऐसी प्लेस से आया है जहाँ पे वो मतलब उसके लिए वो सूटेबल नहीं थी, लाइक जहाँ पे ना ग्लूम का मतलब ये होगा कि जिस जगह पे वो था ना वहाँ पे बहुत ही हीट और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ग्लूम उस सेंस में आ रहा है, हीट वाली सेंस में आ रहा है, यानी कि उसके लिए बहुत ही मिजरी वाली जो प्लेस थी ना वहाँ से वो क्रैक में से निकल के आया पानी पीने के लिए। एंड ट्रेल यानी कि रिंगता हुआ आया, हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बैलेट, सॉफ्ट बैलेट यानी कि जो उसका नरम टाइप का जो एक वो पेट है ना और उसकी स्किन है उसको कहा जा रहा है। तो येलो ब्राउन उसकी स्किन का कलर है, येलो ब्राउन स्लेकनेस यानी कि बहुत ही आस्था से लेजीनेस के साथ चलता हुआ, जैसे कि कोई होते हैं ना स्नेक अपने मोस्टली अगर आप वीडियोस वगैरह में देखते हैं आमतौर पे तो वो बहुत ही स्पीड के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन ये वो उसकी स्पीड बता रहा है कि वो अपने पेट के बल चलता हुआ, येलो ब्राउन उसका कलर है, वो रिंगता हुआ आराम से मतलब लेजीनेस उसकी यहाँ पे शो हो रही है कि बहुत ही आस्ता आस्ता जो है ना आराम से चलता हुआ आ रहा है। तो डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ यानी कि जो स्टोन ट्रॉफ पड़ा हुआ, जो पत्थर का वो जो ट्रॉफ पड़ा हुआ था ना जिसके एज से वो पानी पी रहा था, उसके नीचे जो है ना डाउन उसके नीचे, उसकी बात हो रही है कि उस एज के नीचे। एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट, उसने अपना जो थ्रॉट है अपना जो है ना पानी पीने के लिए जो उसने अपने जो है ना ज़मीन पे कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा जैसे स्नेक पानी पीने के लिए जब उसने वो रुका तो उसने उसका पेट और उसके जो उसका जो गला था वो ज़मीन को टच कर रहा था, तो रेस्टेड हिज थ्रॉट उसने ज़मीन पे अपनी अपना जो थ्रॉट है वो रेस्ट किया या उसको लगाया। अपॉन द स्टोन बॉटम यानी कि जो स्टॉम का बॉटम है निचला हिस्सा है वहाँ पे उसने अपना थ्रॉट रखा और एज से पानी पीना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप,
वहां पे उसने जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी गिर रहा था टैप में से, और फिर वो कंटेनर में आ रहा था, और वो उससे जो है उसके थ्रू वो पानी पी रहा था, ठीक है, वो टैप ड्रिप बाय ड्रिप जो है ना, या सॉरी ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे गिरा था पानी कंटेनर में, और उस वहाँ पे एज पे उसने अपना वो शॉट रखा और वहाँ से पानी पीना शुरू कर दिया, इन अ स्मॉल क्लियरनेस, यानी कि बहुत ही आराम से और बहुत एक छोटी सी जगह से, ठीक है, स्मॉल क्लियरनेस, एक छोटी सी उसको साफ सी जगह थी वहाँ पे उसने पानी पीना शुरू कर दिया। इस शिप्ड विद स्ट्रेट माउथ, उसने स्ट्रेट माउथ यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, बिल्कुल जूम है मीटिंग में, यस कुलसुम बताएंगी, पोइम आपने ये पढ़ी हुई है ना, तो अगर आपने स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन की हुई है तो आपको इसका मीनिंग अब तो पता होगा ना, ही सिप विद स्ट्रेट माउथ, क्या हो गया है मरवा कुलसुम? स्ट्रेट माउथ मैम, यहाँ पे सीधे मुंह से पानी पिया उसने अपने। हाँ सीधे मुंह से, यानी कि अब जैसे इंसान का जो फेस है या गला है, मतलब एक लदा लदा सी फीचर्स बने हुए हैं, लदा बॉडी है, लेकिन जो स्नेक का है वो उसकी जो बॉडी है उसका जो जिस्म है वो स्ट्रेट है, मतलब उसका वो जब जमीन पे अपना गला रखता है तो मतलब उसने उसका पेट गला कौन सा है कोई, मतलब उसकी बॉडी ऐसे स्ट्रेट ही रहती है, तो उस सेंस में वो कहा जा रहा है कि स्ट्रेट माउथ के साथ उसने पानी पिया, मतलब उसने बहुत ज्यादा वो उसको अपना सर या मुंह अपना ऊंचा करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको, तो ही सिप यस विद मैम। स्ट्रेट माउथ सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, गम्स मसूड़ों से मसूड़ों से, ठीक है, स्ट्रेट गम्स यानी कि जो सीधे सीधे उसके जो मसूड़े बने हुए थे मुंह में, उसके थ्रू उसने पानी पिया इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, अपने जो सीधा सीधा उसका जो पानी पिया, और मतलब साइलेंटली खामोशी से उसने अपना पानी पिया जो कि इनटू मैम, हिज आपकी आवाज स्लैक, नहीं आ रही। एक सेकंड, सबको नहीं आ रही है या सिर्फ आपको इशू आ रहा है? मुझे आ रही है। अच्छा आप ना अनिसा आपको आवाज नहीं आ रही थी, अपना माइक जो है ना अपना जो वॉल्यूम है ना वो चेक करो, लैपटॉप या अपने मोबाइल का वॉल्यूम चेक करो, नहीं मैम, मुझे आ रही है, कंसूम को नहीं आ रही। कुलसुम आपको अपना वॉल्यूम चेक करो, ओके कुलसुम अभी आ रही है आपको आवाज, चेक करें ना एक दफा अपना, एक बताएं अभी आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूं। यस मैम, अभी आई है, वो बैक हो गई थी मीटिंग की वजह से। अच्छा, तो ओके उसने तो जो उसका स्नेक का पानी पीने का तरीका था उसने वो बताया कि वो सीधे सीधे मुंह से उसने पानी पिया स्ट्रेटली, और जो उसके गम्स और पानी वो अपने पेट तक लेके गया और किस तरह से उसने अपना पानी पीना, तो उसका जो सारा प्रोसेस है उसने स्नेक ने पानी किस तरह से पिया और ईच एंड एवरीथिंग मिन्यूट डिस्क्रिप्शंस उसने जो है ना यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अभी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे ओके एक्सप्लेनेशन इसकी आप कॉन्टेक्स्ट रखोगे इसको, ठीक है, ऊपर वाली जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ना आप इसको एज कॉन्टेक्स्ट करोगे, ठीक है, जिसमें उसने बताया हुआ है कि एक दफा मैं रीड आउट कर दूँ इसको, ये जरूरत नहीं है। हम कर लेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द स्नेक ड्रैंक वाटर एट द वाटर कंटेनर, उसने जो पानी पीने का पूरा प्रोसेस था ना स्नेक का, किस तरह से उसकी बॉडी मूव करती हुई आई, कहाँ से वो आया और किस तरह से उसने पानी पिया, ठीक है, वो सारी एक एक डिस्क्रिप्शन उसने जो है ना डिस्क्राइब की हुई है, एक्सप्लेन की हुई है। द स्नेक अपेयर्ड आउट अ होल इन द अपेयर्ड आउट ऑफ अ होल इन द मड वॉल इन द डार्कनेस,
ही ड्रैग्ड हिज सॉफ्ट येलो ब्राउन बॉडी टू द एज ऑफ द वाटर कंटेनर. वो एक क्रैक में से निकल के आया था, मड वॉल थी वहां से उसके क्रैक में से निकल के आया था. और इन द डार्कनेस, यानी कि जहाँ से आया था वो डार्कनेस में से, अंधेरी जो दीवार थी उसमें से निकल के आया था. और उसकी जो बॉडी का कलर था वो क्या क्या था, येलो ब्राउन कलर था. और उसने वो वाटर के, वो वाटर कंटेनर से के एज से उसने पानी पिया. ही प्लेस हिज थ्रॉट अपॉन द बॉटम ऑफ द स्टोन कंटेनर, पत्थर का जो कंटेनर बना हुआ था वहाँ से उसके वो एज से उसने पानी पिया. हियर द वाटर वॉज फॉलिंग ड्रॉप बाई ड्रॉप, वहाँ पे पानी कतरा कतरा गिर रहा था और जमा हो रहा था उस कंटेनर के अंदर. इट गैदर्ड देयर इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पूल, एक छोटे से पूल की शक्ल में उसके लिए, एक स्नेक उसकी शक्ल जो है, सॉरी स्नेक के लिए वो एक पूल की शक्ल में जाए वो जमा हुआ था. तो वहाँ से उसने पानी पिया. द स्नेक सिप्ड वाटर सॉफ्टली बाय मींस ऑफ हिज सॉफ्ट गम्स एंड पास्ड इट ऑन हिज बेली. द होल प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज स्लो एंड जेंटल, ही डिड नॉट प्रोड्यूस एनी नॉइज व्हाइल ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि उसके पानी पीते हुए उसको कोई तीन चार चीज़ों की उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है. एक ये कि वो लेजीनेस या बहुत ही स्लोली रिंगता हुआ आया, कोई स्पीडीली चलता हुआ नहीं आया था वो, ठीक है. सेकेंड, इसने बहुत ही पीसफुली वहाँ पर रेस्ट की और आराम से अपना गला रखते हुए वहाँ पर एड से पानी पिया, ठीक है. देन उसने उसके गम्स के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है कि वो बहुत ही सॉफ्टली और आराम से उसने पानी पिया, कोई उसने कोई जल्दबाजी या इस तरह का कुछ भी जो है ना वो देखने को नहीं मिला, ठीक है. बहुत ही जेंटलनेस और स्लोली उसने पानी पिया और चला गया. और जो पानी पीने का उसका तरीका था उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही. तो ये जो मेन्यू डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपने जो है ना ये याद रखनी होती है जब भी आप स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है. नेक्स्ट है 14 to 15 लाइन्स, उनकी एक्सप्लेनेशन उसने वन बाय वन की हुई है कि समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर थ्रो. वो कहते हैं जब मैं वहाँ पे पहुँचा जो वाटर कंटेनर था तो मेरे से पहले भी कोई वहाँ पे मौजूद था. एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग, मैं एक जो सेकंड कमर की हैसियत से यानी कि अपनी बाई का वेट करने लगा. मैं वहाँ पर खड़ा हो गया, मेरे से पहले कोई और था तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा कि मेरी बारी आ जाए फिर मैं पानी लेने जाऊँ. द पोइट वॉज द सेकेंड कमर, द फर्स्ट कमर वॉज द स्नेक. ये मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वो जो है ना जहाँ पे वो पहुँचा फर्स्ट स्टैंजा में उसने बताया कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा वाटर कंटेनर से पानी लेने, तो वहाँ पे एक स्नेक था. अब वो जो वहाँ पे खड़े होने तक का जो पिछला जो सारा जो पिछला उससे पहले जो हो चुका वो सारी एक्सप्लेनेशन थी ना, वो अब बाद में दे रहा है कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैं एक सेकंड कमर की हैसियत से वहाँ पे पहुँचा था, मेरे से पहले एक स्नेक वहाँ पे मौजूद था. द पोइट वॉज वेटिंग टू फिल हिज पिचर विद वाटर लाइक द पर्सन हु कम्स लेट एंड वेट्स फॉर हिज टर्न. एक ऐसे इंसान की हैसियत से वो वेट कर रहा था स्नेक के जाने का कि वो जाए तो फिर मैं पानी भरने वहाँ पर जाऊँ. He had to stand aside and wait for his turn. उसको वहाँ के साइड पे खड़ा होके वेट करना पड़ा अपने बारी आने का, ठीक है. Next 16 to 21 lines. He lifted his head. यहाँ पे HIS आएगा, ठीक है. ये जो है ना मिस्टेक नहीं है ये, बल्कि जो ओल्ड इंग्लिश है ना उसके ये पोइट्स खुद इस वक्त के जो वर्ड्स है ना वो यूज़ करते हैं. He lifted his head from drinking. उसने अपना पानी वो पानी पीने के बाद अपना जो सर है वो ऊपर उठाया. As cattle do, जैसे जो बाकी मवेशी हैं या जानवर हैं ना वो पानी पीने के बाद सर अपना ऊंचा करते हैं, ठीक है. इस तरह से उसने अपना सर ऊंचा किया पानी पीने के बाद. And looked at me visually, यानी कि उसने मेरी तरफ देखा शार्प नज़रों से या रफ नज़रों से या रूड विद रूड आइज, ठीक है. He looked at me visually, उसने बहुत रफली मेरी तरफ देखा. एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जिस तरह से पानी पीते हुए जो दूसरे जानवर या मवेशी हैं वो करते हैं. एंड फ्लिकेड हिज टू फोक्ड टंग, टू फोक्ड जो सांप की जुबान के जो दो रुख होते हैं, ठीक है, वो टू फोक्ड जो है ना उसको कहा गया. तो उसने जो है अपनी वो जुबान निकाल के जैसे वो लगता है ना शाइन, फ्लिकेड हिज टू फोक्ड आई, अपनी जो जुबान है वो बाहर निकाली तो ऐसे लगा जैसे वो मतलब इस तरह से मेकअप देख के तो जो है इशारा कर रहा हो. फ्रॉम हिज लिप्स, अपने जो है वो होंठों से. एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और थोड़ी देर के लिए वो थोड़ी सी उसने अपनी अम्यूजमेंट शो की, ठीक है. थोड़ा म्यूज्ड का मतलब यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था अगर आपको याद हो
क्या नाम है आपका मैम, सोचा उसने, म्यूज्ड म्यूज्ड आ मोमेंट, सोचना, म्यूज का मतलब है सोचना। यस मैम, सोचने का। अच्छा अच्छा गौर करना, गौर करने को भी कहते हैं, फोकस करना, ठीक है। तो उसने वहाँ पे वो अपनी दो रूही जुबान जो है वो निकाल ली अपने लिप से और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे उसने वो वेट किया या सोचा, ठीक है, या गौर किया। एंड स्टूप्ड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर दोबारा झुका और उसने फिर मजीद थोड़ा सा पानी पिया। बींग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग हाउस ऑफ द अर्थ, यानी कि बींग अर्थ ब्राउन, अर्थ ब्राउन जो जमीन जो मट्टी वाला जो ब्राउन कलर है वो उसकी स्किन का था, अर्थ गोल्डन और गोल्डन कलर जो जमीन में रहते हैं जो सांप उनका जो कलर होता है अर्थ गोल्डन उसमें कहा गया। फ्रॉम द बर्निंग हॉल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जमीन के अंदर जो है ना वो जो सिसकती हुई या दहकी हुई जो कह लें कि जिस हिस्से में था ना वो जमीन के जिस हिस्से में था वहां से बहुत ज्यादा वो हीट बहुत ज्यादा थी वहां पे, जलती हुई जमीन कह लें कि जो है ना वो जलती हुई जमीन की तरह थी उसके लिए, तो वहां से वो निकल के आया था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एथना स्मोकिंग, एथना स्मोकिंग जो एथना जो ये जो है ना एक पहाड़ है, ठीक है, तो एथना, हाँ जी, पहाड़ का जो है ना वो यहाँ पे नाम है एथना स्मोकिंग, यानी कि जो पहाड़ है ना उसमें से भी गर्मी निकल रही थी, ये कहा गया। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, यानी कि जुलाई का जो है ना ये आई थिंक मैंने आपको बताया था ये सिटी का नेम है, ठीक है, वो जगह जहाँ पे जो पोइट और जो सांप है उस जगह जिस जगह पे वो मौजूद थे ना उस सिटी का उस टाउन का नाम है सिसिलियन, ठीक है, सिसिली, सिसिलियन जुलाई, यानी कि उस जगह पे जुलाई का डे, सॉरी जुलाई का मंथ था और उस दिन पे बहुत ही ज़्यादा हीट निकल रही थी यहाँ के पहाड़ों में से भी, वो जो है इतना जो पहाड़ है वहाँ से भी वो हीट निकल रही थी। स्मोकिंग जो है ना ये आग की सेंस में आएगा, हीट की सेंस में आएगा। ओके नीचे आ जाएं, इसकी ये वाली जो लाइन्स है ना फर्स्ट जो पैराग्राफ नीचे आ रहा है ये आप कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। द स्नेक ड्रैंक वाटर क्वाइट जेंटली, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही रेज हिज हेड फ्रॉम द वाटर कंटेनर एज द केटल डू, ही लुक्ड एट द पोइट विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू हिम, हिज वे ऑफ लुकिंग एट द पोइट वॉज क्वाइट इनडिस्टिंक्ट एंड वेज, बहुत ही उसने जो है ना तो वो पोइट की तरफ उसने पोलाइटली देखा और ना ही उसने उस तरह से जिस तरह से एक जहरीला जानवर जो देखता है ना किसी शिकार को इस तरह से भी नहीं देखा था उसने, बहुत ही ग्लूमी टाइप की उसकी लुक्स थी। और नीचे है यस ये वाली लाइन्स, देन द स्नेक वाइब्रेटेड एंड वेव्ड हिज टू फोर्क टंग फ्रॉम हिज लिप्स, ही स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, ही डाउ एंड रिफ्लेक्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, ये वाली लाइन्स ऊपर वाली लाइंस के साथ आप मैच करोगे, समझ आ रही है? यस मैम, ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना जो मैंने पहले रीड किया इतना, ठीक है, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये फाइव लाइंस और नीचे ये जो थ्री लाइंस है ना आप इन सारी को मर्ज करके एक अपना कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद ये भी आ रहा है, इसको या तो आप अगर उस उन दोनों को इसमें ऐड करना चाहो तो फिर इसमें रिपीटेड लाइंस और रिपीटेड वर्ड्स जो हैं आपने स्किप कर देने हैं, ठीक है। मुसारा एक्चुअली जो है ना जो लास्ट थ्री लाइंस हैं ये इसकी सारी की एक्सप्लेनेशन है, बीइंग अर्थ ब्राउन सेकंड लास्ट टू लाइंस वो वाली हैं, तो या फिर आप ऐसा करें इसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा है ना आप उसी को मर्ज कर लें, ठीक है, वो जो फर्स्ट टू मैंने रीड किए ये वाला और वो वाले और ये जो एंड पे है ये वाला, ठीक है। द स्नेक ड्रैंक वाटर इन अ ग्रीडीली मैनर, इट सीम्स एज इफ दिस अर्थ ब्राउन एंड अर्थ गोल्डन क्रिएचर हैड इमर्ज्ड फ्रॉम द इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन द हॉटेस्ट डे ऑफ जुलाई इन सिसिली, ऑन दैट डे द माउंटेन एथना वॉज इरप्टिंग, द बर्निंग हीट ऑफ द सिटी सीम्ड टू फोर्स द स्नेक टू टेक शेल्टर एट सम कूल प्लेस एंड ड्रिंक वाटर।
ये सारा वो वाला अभिषेक जो है ना, उसमें जो लास्ट सेकंड स्टैंजा था, सेकंड जो, एक सेकंड मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये देन द स्नेक वाइब्रेटेड, इसको आप कह सकते हो उसमें उन लाइंस के बीच में ना, या एंड पे मिड में कहीं पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट वाला अभिषेक छोड़ दें, ये वाला और जो अभी मैंने रीड किया ये वाला, इन दोनों को मर्ज करके आप एक्सप्लेनर जो है ना अपना प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं रही है कोई? नो मैम, आ रही है समझ। ठीक है जी मैम, कर दिया। ओके, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना 16 टू 20 लाइंस, 21 लाइंस, ये आपकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, ठीक है। इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेट टू मी, वो कहते हैं मेरी जो तालीम थी उसने मुझे आवाज दी, ठीक है। सेट टू मी, उसने मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल्ड, मुझे सांप को जो है मार देना चाहिए, फॉर इन सिसिली द ब्लैक, सिसिली के जो लोग थे वो, उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो ब्लैक स्नेक्स हैं, ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, जो ब्लैक स्नेक्स हैं वो इनोसेंट होते हैं, एंड द गोल्डन आर वेनोमस, वेनोमस यानी कि जो वो जहरीले होते हैं, पॉइजन्स होते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो ब्लैक स्नेक्स हैं ना वो इनोसेंट होते हैं, और जो गोल्डन कलर के होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो ये जो उसके पास स्नेक आया था वो कौन से कलर का था? गोल्डन ब्राउन कलर का था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर की जो आवाज़ थी, मेरी जो तालीम थी, मुझे उसने कहा कि तुम्हें इसे मार देना चाहिए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो जहरीले, जो गोल्डन इस तरह के सांप हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, और जो ब्लैक हैं वो इनोसेंट होते हैं, तो ऐसे सांपों को मार देना चाहिए। एंड वॉइस इन मी सेड, लेकिन मेरे अंदर की जो आवाज़ें थी उन्होंने मुझसे क्या कहा, इफ़ यू वर अ मैन, अगर तुम एक इंसान हो, एक आदमी हो, यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम आउट, अगर तुम सही मानों में एक इंसान हो तो तुम एक स्टिक लोगे और उसे मार दोगे, उसे ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर की जो आवाज़ें थी, मेरी जो तालीम थी, मुझे वो ये कह रही थी कि मुझे इस काम को ख़त्म कर देना चाहिए। नीचे ये कॉन्टेक्स्ट है, आप इन दोनों को या मैच कर सकते हो, या फिर नीचे जो लाइन्स हैं ना इनको मैच, इनको कर सकते हो एक्सप्लेनेशन में। द वॉइस ऑफ एजुकेशन नॉलेज रैशनैलिटी एडवाइज द पोएट टू टेक अ स्टिक एंड किल द स्नेक इन ऑर्डर टू प्रूव हिज मैनहुड, अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए उसके अंदर की जो आवाज़ें आ रही थी वो कह रही थी कि इसको मार देना चाहिए। ओके, एक्सप्लेनेशन में यही सारा वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इसको रीड आउट नहीं करूँगी, ठीक है। बहुत इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं है, और डिफिकल्ट वो आइडिया भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जो दिया हुआ है। 29 से 39 लाइन्स हैं। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, वो कहते हैं कि मुझे ये ज़रूर मैं कन्फेस करना चाहूँगा कि मुझे वो सांप जो है, आई लाइक हिम, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू, वो कहते हैं एक मेहमान की तरह वो कितनी खामोशी से जो है वहाँ पे आया था। टू ड्रिंक माई वाटर ट्रॉप, यानी कि वो कहते हैं मेरे वाटर कंटेनर से पानी पीने इतने खामोशी से एक गेस्ट, एक मेहमान की हैसियत से वहाँ पे आया था। एंड डी पार्ट पीसफुल, डी पार्ट कोई बताएगा डी पार्ट का क्या मतलब है? डी पार्ट पीसफुल, पेसिफाइड एंड थैंकलेस, डिपार्टमेंट के फिर जाना किस चीज की तरफ, यानी कि अगर वो जा रहा तो वो छोड़ देना, फिर डिपार्ट जाना मतलब कि चले जाना किसी जगह से। हाँ जी, रवाना हो जाना। वो तो कहते हैं कि वो आराम से एक मेहमान की तरह आया और उसने मेरे वाटर ट्रॉप से पानी पिया और खामोशी से वहां से, और बहुत ही कामनेस के साथ चला गया, एंड थैंकलेस यानी कि वो मतलब एक अपना बस वो उसने पानी पिया और चला गया वहाँ पे। थैंकलेस होता है कि मतलब किसी को शुक्रिया अदा किए बगैर। इन टू द बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ, जमीन की जो उगलती हुई वो जो दिन था, वो जो जिसमें से उस दिन जो है जमीन के कहने ना शोले निकल रहे थे जमीन में से। तो अच्छा, मैं ना ये न्यू मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, बल्कि हम जल्दी से ये स्टैंजा कंप्लीट कर लेते हैं। Was it cowardice that I dared not to kill him? Not kill him. वो कहता है कि मैं एक कोवर्डनेस होती है, यानी कि कोवर्ड होता है ना कि कोई मतलब बुजदिल होता है इंसान, उसको कहते हैं। तो वो कहता है कि ये मेरी बुजदिली थी कि मैं उसको, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे मार देना,
कि मैं उसे मार दूँ. वॉज इट परवर्सिटी डेट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, या फिर ये मेरी जो है वो कोई मैं गुमराह हो रहा था, या मेरी कोई जहनी खराबी थी कि मैं उसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था. वॉज इट ह्यूमिलिटी, या फिर वो मेरी आजी थी टू फील सो ऑनर्ड, कि ये ऑनर्ड फील करना कि वो मेरे वाटर ट्रॉप से एक शाम पानी पीने आया. तो कहते हैं कि टू फील सो ऑनर्ड यानी कि अपने आप को मतलब बहुत आप समझते हैं, ऑनर की बात समझते हैं कि एक शाम आपके जो है ट्रॉप से पानी पीने आया. आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैंने इस चीज़ को बहुत ही अपने लिए एक इज्जत की सेंस में जो है ना मज़दत समझा अपने लिए. ठीक है. अच्छा, इसका मैं फौरन से एक्सप्लेनेशन बता दूं आपको. यहां से कर सकते हैं आप. द पॉइंट थॉट परहैप्स अ स्नेक हैड अ मूव टू डिपार्ट फ्रॉम हिज हाउस आफ्टर क्वेंचिंग हिज थर्स्ट without showing any gratitude to him, perhaps he would once again enter into the interior depths of the burning earth quite satisfied. ठीक है, ये वाला कर ले, उसके बाद ये वाला कर लो. He questioned to himself if it was not his abnormality that he wanted to talk to his guest, it was his humbleness to show his hospitable treatment to his guest who had arrived there unexpectedly. The poet felt happy and honored at the arrival of his guest. वो स्नेक को अपना गेस्ट समझ रहा है, गेस्ट मान रहा है. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन उसी तरह से है, इजी है, मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट है, एंड गेट दोज वॉइसेस इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम. वो कहते हैं कि वो जो है ना गेट दोज वॉइसेस, उन आवाज़ों का क्या, इफ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डरते नहीं तो यू वुड किल हिम, तुम उसे मार देते. वो कहते हैं कि मुझे जो आवाज़ें आ रही थी ना लोगों की मेरे दिमाग में, लोग मुझे ये कह रहे थे कि तुम डर गए हो इसलिए तुमने उसे मारा नहीं है, तो अगर तुम ना डरते तो तुम शायद उसे मार देते. तो ये उसको आवाज़ें आ रही हैं, उसको अंदर से आ रही हैं, उसको लोग के लोग क्या कहेंगे, ये वाली आवाज़ें आ रही हैं उसको. द पोइट फेल्ट ग्रेटली ऑनर्ड एट द अराइवल ऑफ द स्नेक, ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल हिम, बट द वॉइस ऑफ एजुकेशन इंटेलेक्ट एंड विजडम फोर्स्ड हिम टू किल हिम, दे अर्ज्ड हिम टू किल हिम इफ ही वॉज नॉट अफ्रेड. ठीक है, समझ आ रही है आप उनको? यस मैम. ओके, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड. वो कहते हैं कि मैं सच बताऊँ तो मैं वाकई डर गया था. आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं वाकई बहुत ज़्यादा डर गया था. बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, मैं बहुत ज़्यादा अभी भी उस पर एक अपने लिए मोजेस समझता हूँ, डेट ही शुड सी माई हॉस्पिटैलिटी, कि उसको मेरी हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, कि ज़मीन के सीक्रेट हिस्से में से वो जो डार्क एरिया है वहाँ से उस दरवाजे से वो निकल के आया. वो कहते हैं कि मेरे लिए जो है ना ये एक मौजूद चीज़ होनी चाहिए, मैं इसको मौजूद समझता हूँ अपने लिए, कि मैं उसको मेज़बानी का शरफ या मौका दे सका. ठीक है, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना ये वाली अलग से दी हुई है. हालांकि मेरे पास पेज तो नहीं है, मिसिंग है. अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना, द पोइट एडमिटेड दैट ही वाज रियली अफ्रेड ऑफ द स्नेक, उसने एडमिट किया कि मैं वाकई डर गया था, बट द फीलिंग्स ऑफ बीइंग ऑनर्ड एंड एलिवेटेड एट द अराइवल ऑफ द स्नेक डोमिनेटेड द फीलिंग्स ऑफ फियर. आफ्टर ऑल ही वाज हिज गेस्ट, ही विजिटेड दिस हाउस आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द इनर डेप्थ्स ऑफ द अर्थ, ही वाज थैंकफुल टू स्नेक बिकॉज ही हैड एंटर्ड हिज हाउस आफ्टर मेकिंग अ लॉन्ग जर्नी. वो कहते हैं कि मुझे उसके आने पर खुशी हुई थी कि वो अपने जमीन के उस हिस्से में से मेरे लिए निकल के आया और मुझे मैं जो मेहमान नवाजी का शर्त बख्शा. ही ड्रैंक इनफ, उसने काफ़ी पानी पिया, एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमीली एज वन हु हैज ड्रंकन, और जैसे कोई पानी पी के अपना सर ऊपर करता है इसी तरह से उसने पानी पी के अपना सर ऊपर किया. एंड फ्लिकड हिज टंग लाइक अ फोक नाइट ऑन द एयर, जैसे हवा में जो है एक फोक हम वो चलाते हैं, इसी तरह से अपनी जो उसने टंग है शाइनिंग करती हुई वो निकाली. सो ब्लैक, तो जो ब्लैक स्नेक हैं, सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, लग रहा था कि वो अपना जो है वो लिप्स में से जो है ना अपनी जो वो निकाल रहा है, अपनी जुबान लहरा रहा है. ठीक है, एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और एक गॉड की तरह आसपास देखा. अनसीन इन टू द एयर, अनसीन इन टू द एयर यानी कि
क्या होगा इसका? अनसीन, जिसको हवा में, मतलब इनटू द एयर, यानी हवा में ना देखा गया हो, यानी कि उसने फौरन से अपनी वो लिप्स में से अपनी टंग निकाली हो फौरन से अंदर की, जिसको हवा में ना देखा जा सके, इतनी तेजी से उसने किया। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और जल्दी से अपना सर मोड़ा, एंड स्लोली वेरी स्लोली एज इफ थ्राइस इन अ ड्रीम, जैसे कि इतनी स्लोली और इतने आस्था से, जैसे एज इफ थ्राइस इन अ ड्रीम, जैसे ये बहुत ही एक ड्रीम में, जैसे मैंने थ्राइस का मतलब है ना तीन दफा, ठीक है, हाँ जी। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसे जो है ना वो स्लोली और आस्ता आस्ता ऐसे उसने अपना सर मोड़ा और पीछे चला गया, जैसे एज इफ थ्राइस इन अ ड्रीम, जैसे मैं तीसरी दफा कोई ख्वाब देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैंने इसके मतलब तीन दफा इसके रुख देखे कि बहुत ही आराम से स्लोली और बहुत पीसफुली पानी पी रहा था और फिर मुड़ा आया और मुड़ गया। तो वह कहते हैं मैं ऐसे लग रहा जैसे मैं तीसरा अपना हाफ देख रहा हूँ। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग अराउंड, उसकी जो स्लो लेंथ थी मतलब स्लो स्पीड थी, वो कह रहा है कि वो मुड़ती हुई जो है वो जिस तरह से जा रही थी मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, क्लाइम अगेन मैं दोबारा से उछलना होता है, ठीक है, द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, वॉल फेस उसने दीवार में से अपना मुंह निकाला, द ब्रोकन बैंक ऑफ वॉल फेस, यानी कि जो दीवार का वो जो हिस्सा था ना क्रैक जहाँ से पड़ा था, वहां पे अगेन वहां पे क्लाइम कर गया, मतलब वहां पे दोबारा से चला गया, ठीक है, ओके। द स्नेक ड्रैंक वाटर टू हिज हार्ट्स डिजायर, आउट ऑफ सेटिस्फेक्शन ही रेज्ड हिज हेड एंड ही लुक्ड एट द सराउंडिंग्स ड्रीमिली। At that time, he looked like a drunkard who was in a state of senselessness. यानी कि बहुत ही वो बेताबी से उसने पानी पिया। Then the snake moved and waved his tongue. He moved his black tongue, which looked like a two-pronged knife, seemed to lick his lips. यहाँ तक और उसके बाद नीचे। Then the snake looked around in a dignified manner, like a god which has conquered everything. He looked around carelessly. After that, he raised his head thrice as if he were in deep sleep. उसने जो है ना वो carelessly अपना वो इधर उधर देख के ऐसे देखा जैसे वो कोई चीज उसने पता कर ली हो, ठीक है, उस सेंस में। अच्छा, इतना आप करेंगे in that as if he were in the deep sleep. उसके बाद last lines यहाँ से आप करेंगे ये। Then he pulled and drew his soft body slowly towards the wall and began to climb again the broken edge of his mud wall. ठीक है, जमीन के वो उसी mud wall में से दोबारा से वापस आने की कोशिश की। And as he put his head into that dreadful hole, और अपना जो बहुत ही dreadful type का खौफनाक सा जो उसका होल बना हुआ था उसमें से अपना सर अंदर किया, and as he slowly drew up, और बहुत आस्था से drew up ऊपर ऊपर की तरफ से है ना कह ले के अपने आप को पुल करने की कोशिश की, ठीक है। स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर, अपने जो उसके कंधे थे उसने उसको बहुत ही आराम से जाना जाना शुरू किया उनके साथ। एंड एंटर्ड फादर, ये नेक्स्ट टेंजा नेक्स्ट मीटिंग में मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। मैं ना इस यहाँ तक करती हूँ, मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग का, सही है, ओके मैम, ठीक है। मैं अभी जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ, मीटिंग का लिंक देती हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे ना मीटिंग एंड हो रही है। यस मैम, ओके।